गरीब परिवारों के अवैध रूप से काटे गए राशन कार्डों को बहाल करना, डिपो धारकों द्वारा कम गेहूं देना, राशन कार्डों से कुछ सदस्यों के नाम बिना किसी कारण के हटाना और जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए नए राशन कार्ड बनाने में पंजाब सरकार और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के अधिकारियों द्वारा अपनी जा रही नीति एवं मजदूरों की मांगों की अनदेखी के खिलाफ ग्रामीण मजदूर यूनियन की ओर से जिला हेडक्वार्टर पठानकोट में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। मांगों की जानकारी देते हुए देहाती मजदूर सभा के नेता अजीत राम एवं प्रवीण कुमार बम्याल ने बताया कि जब गरीब लोगों के अवैध राशन काटे गए तो वह डिपो धारकों एवं खाद और नागरिक आपूर्ति विभाग के चक्कर लगाकर थक गए और उन्हें आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिला। धरने को संबोधित करते हुए सीटीयू पंजाब के नेता मास्टर सुभाष शर्मा, जोहरी किसान सभा के नेता कॉमरेड बलवंत सिंह गो बलवीर सिंह बेदी ने मजदूरों की मांगों का समर्थन किया और अपने क्षेत्र के अवैध रूप से काटे राशन कार्ड वाले परिवारों से संपर्क करके उन्हें धरने में शामिल होने का आग्रह किया। अजीत राम है अजीत मैं अजीत राम हाँ। मैं देहाती मूल सभा काम कर रहा हूँ। ये पुतला पिंडा में जहाँ गरीब आदमियों के राशन कार्ड कटे गए हैं, अभी लंबे समय तो फूड सप्लाई अधिकारियों मिल रहे हैं पर सानू कोई विश्वास नहीं दवा रहे भी बन गए या नहीं बन गए। सानू दो तीन महीने तो बाद पुतले की नौबत आ गई, अभी पुतला फूकना पाया, अभी लगातार धरना दे रहे हैं क्योंकि ये राशन कार्ड उन्होंने लोगों के कटे गए हैं जेडे बिल्कुल थले जी गरीब ने बिल्कुल गरीब ने। यह पुतला इस करके फूकया गया, अभी लगातार दिन रात धरना दे रहे हैं, बस ये जिन्ना चेर साढ़े कार्ड बहाल नहीं होंगे उन्होंने चेहरे धरना लागू नहीं होगा। मैं प्रवीण कुमार गल है कि उन्होंने वादा किया लोगों घर घर राशन पहुँचा के पहुँचाने की बजाय उल्ट इन्होंने कट लाने शुरू करते हैं। अही प्रशासन को तीन चार बार आया, इन्होंने कोई वजूद जरा ना वो कोई जवाब नहीं सू दिता, तो तंग आके ना लोगों मतलब गया लोगों से लोगों ने बहुत ज्यादा गरीब लोगों की हालत पड़ी है। मतलब दूजे नहीं दूजे ने पता पर गरीबों जागरूक है जिन्हें घर आई गया पता किया दुखी हो के सू पुतला फूकना पे पंती साहब तो मिले प्रशासन मिले इतने मिले मेरी बेनती है भी जो ये मजदूर दियाँ पर्चियाँ कटते हैं राशन कार्ड वाले दियाँ पर्ची कट के हफ्ता हफ्ता कणक नहीं डिपो होल्डर लोगों दिता, जे कणक दिता फिर तोल तोल च बड़ी घट दिता, बाकी दियाँ पर्चियाँ लोगों रह जाए कई थोड़े कट्टे गए हैं तो अगली बारी मिलनी है। इस तरह लोग खजल खराब होंगे जो ये फूड सप्लाई अफसर वाले पेश होंगे आ गए ये लोगों की गल नहीं सुनते, चार पाँच महीने तो लोग फेरे मार मार के तंग आ गए। असं भी इन्हों चार पाँच महीने तो लिखती कई मांग पत्र दिते, इन्हें किसी की सुनवाई नहीं की, हूँ असं यह धरना दे के बैठे हैं। ये लगातार जिन्ना चिर लोगों की इस गल नहीं पूरा करते, कटे हुए कार्ड बहाल नहीं करते, जोड़े नजायज़ कटे है लोगों पर्चियां जड़ियाँ पहले दे के कणक नहीं देंगे, जिन्हें चेर नहीं देंगे जो तक कोई ठीक हाल नहीं निकलता उन्ना चेर धरना लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद। जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप सरिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।